आई वेलकम माई स्टूडेंट. एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले ही, तुम्हारी स्टाइल में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. माई नेम इज गौरांग बहाड़कर. आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन पुणे इटसेल्फ. इनिशियली आई हैड माई एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट टू टेंथ इन ICSE एंड देन आफ्टर स्कोरिंग गुड मार्क्स आई शिफ्टेड टू कॉमर्स. सो इट वॉज अ बिग डिसीजन. And all my cousins and even my sister, all are engineers. So taking commerce was a big choice here. I'm so many times surprised when I see a particular Hindi serial, Marathi serial or घर में जो serial में करता दिखाते हैं उसका कोई पोता 10th standard pass करता है, shawl wall पहन के साहब बैठे हैं, अपनी style में पूछते हैं अपने पोते को, तो बेटा क्या करने वाले हो तुम, डॉक्टर इंजीनियर. ऐसे लगता है टीवी फोड़ दूं मैं. डॉक्टर इंजीनियर तक ही क्यों आपकी बोलने की सीमा है, बराबर है. इसे ये दोनों तो अच्छे ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ करियर है. यू आर थिंकिंग इन ओनली वन ट्रेडिशनल वे. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर ज्वाइनिंग, इवन दो योर बैकग्राउंड इज फ्रॉम साइंस साइड. How you remember all our lectures? What are the experiences you remember you'd like to share with them? एक लेक्चर मतलब कंसिस्टेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक लेक्चर SM सर का होता ही था. ऐसे वो उन्होंने कभी लेक्चर स्किप नहीं किया. और GB सर हमेशा रात में लेक्चर लेके वो उनका सिलेबस मतलब हो जाने के बाद भी 2-3 बार रिवाइज कराया. That's great. उन्होंने सब क्वेश्चन सॉल्व कराए. और कंसेप्ट मतलब ऐसा एक कॉन्सेप्ट नहीं था एग्जाम में जो हमने क्लास में कवर नहीं किया था. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देख के लग रहा था कि ये तो सॉल्व किया ही है, ये तो इजीली आ जाएगा. फैंटास्टिक. तो तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, क्या उसका कभी मन ही मन में, इफ दिट इज योर आईपैड, आईपैड पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे ये जो आईपैड है इंसान का, यहाँ पे आपने कुछ प्लानिंग किया था मुझे ऐसे ऐसे मोह होना है? वैसे प्लानिंग तो 10th के बाद कॉमर्स लेने का था. उसके बाद मैंने 11th में खुद को टेस्ट किया कि कर सकते हैं क्या, सब्जेक्ट्स पसंद आ रहे हैं क्या. तो उसके बाद बहुत अच्छा लगा ये और मैंने CA का चॉइस कर लिया. उसके बाद अभी मेरा अभी फ्यूचर का विजन मुझे कॉर्पोरेट्स में जॉब करना. कॉर्पोरेट्स में. वन मोर थिंग, आई डोंट नो पर्सनली बट डू यू फील फॉर अ मॉडर्न यंग जनरेशन फिजिकल फिटनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक्ड विद वन ऑफ आवर फ्रेंड्स अबाउट मेंटल बैलेंस. Do you feel physical fitness is the necessity of our? Yes, surely. Physical fitness चाहिए. A healthy mind stays in a healthy body. It is a common proverb that we use. और physical fitness होने से हमारी efficiency बढ़ती है first of all. क्या बात है? मतलब जो concept हमें पहले 3 घंटे में समझता वो 2 घंटे में समझता है. और ज़्यादा time नहीं देना पड़ता पढ़ाई को. थोड़ा attention divert हो जाता. Rather, मैं कहना चाहूंगा इफ यू गिव सम टाइम फॉर फिजिकल फिटनेस, एनर्जी लेवल नॉर्मली हाई होती है. हाँ. मन में पॉजिटिविटी रहती है. और फिजिकल एक्सरसाइज का मैं सभी को एक बात छोटी बताता हूँ, सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे जो मिला, यू आर अलोन, सो दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू आर नॉट इन टू ग्रुप वेर यूर ओन थॉट्स कैन डेवलप. अदरवाइज वी आर ऑलवेज, व्हेन यू आर टू क्लास यू आर विथ योर फ्रेंड्स, when you are in your house you are with your family, you are listening to some others thoughts. Exercise the only time where you can think in your own way, not copying anybody else. Yes. Koi, somebody is there with you, your parents? Yes, my parents are there with me. Yeah, please. So, just give mic to your father. How you are feeling after hearing such a wonderful result of your son? जिस दिन उसको इतना मार्क मिल गया उस दिन जा मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 90-91 तक जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसने ये किया. टिपिकल माँ का आंसर क्या है, बहुत सेंटिमेंटल भरी हुई पर्सनैलिटी होती है. मुझे तो उससे एक्सपेक्टेशन था कि अब वो 91-92 आएगा, लेकिन उसने बहुत अच्छे से किया था मार्क्स. तो स्कोर बढ़ने के बाद जब रिजल्ट आया तो मुझे ऐसे लगा, अरे वाह गौरांग तू देख तेरा ही रिजल्ट दिख रहा है क्या दूसरे का देख रहा है. लेकिन उसने उसके बाद बोला नहीं मैंने अच्छे पढ़ाई किया है आएगा मेरा मार्क्स. कॉन्फिडेंट था, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट. एज अ पेरेंट आई वुड लाइक टू टेल यू, तो मैं और GB सर तो ऑलमोस्ट
हम लोगों ने सभी ने शादी की थी, ऐसे हमारा टोटल रूटीन होता था। ये जो जो भी स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, मुझे दूसरी आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इच्छा हो रही है, दीज आर ऑल फॉरगेट अबाउट हाउ इंटेलिजेंट जीनियस दे आर, बट ऑन बिहाफ ऑफ जी बी सर एंड माई ऑल कलीग्स, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड ह्यूमन बींग्स एंड दिस इज द बिग अचीवमेंट फॉर यू एज अ पेरेंट। सो फ्रॉम मी अ स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो एक थोड़ा सा आइडिया और बदलते हैं, ये सर्टिफिकेट अप्रिसिएशन आप अपने बेटे को दोगे? एंड दिस स्पेशल मोमेंटो फ्रॉम योर मदर, तो माँ को भी याद रहेगा। सो आई विश योर इंटायर फैमिली अ वेरी हेल्दी वेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन्स अगेन। थैंक यू वेरी मच।